हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में महादेव और पार्वती की ये वाला ड्राइंग मैं करने वाला हूँ। इसको करने के लिए मैं ब्रास्टो का A3 पेपर का ड्राइंग पेपर यूज कर रहा हूँ। ये वाटर कलर पेपर है और ग्रिड मेथड का यूज करने वाला हूँ इस आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले ये रेफरेंस फोटो विद ग्रिड डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद रेफरेंस फोटो में जिस तरीके से ग्रिड लाइन किया हुआ है, सेम ग्रिड लाइन अगर ड्राइंग पेज के ऊपर करना है तो 3 सेमी छोड़ छोड़ के चारों तरफ मार्क करना होगा। मार्क करने के बाद ऊपर और नीच में जो भी डॉट्स है उसको अभी लाइंस में मैच करते जाना। हल्के हाथों से ग्रिड लाइन करना, क्योंकि आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद इस ग्रिड लाइन को इरेज भी करना होगा। उसके बाद रेफरेंस फोटो की तरह मार्क करना होगा। मार्क करने के बाद आप लोग रेफरेंस फोटो से देखो, इस बॉक्स से मैं ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ऊपर से ये 4 नंबर बॉक्स है और साइड से ये 2 नंबर बॉक्स है। तो अभी मैं किसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। एंजॉय द वीडियो। महादेव की फेस को कलरिंग करने के लिए हमें डोम्स की ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूँ। तो चलो कलरिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की फेस पर एंट्री ब्लू, लाइट वायलेट, लाइट ब्लू और वाइट से अच्छी तरीके से सेटिंग करना होगा। डार्क एरिया को ज़्यादा प्रेशर से और लाइट एरिया पर हल्के हाथों से कलर करना होगा। पूरी ड्राइंग को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए हम यहाँ पर जॉनसन ईयरबड्स का यूज करने वाला हूँ। महादेव की आंखों को रेड और व्हाइट कलर से सेटिंग करना होगा। यहाँ पर हमें कैमेलिन ब्लैक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ।
यहाँ पर हमें प्राइमरी रेड और वाइट कलर की मदद से लिप कंप्लीट करना होगा। थर्ड आई को कलर करने के लिए हम यहाँ पर लेमन येलो, मेरून, वाइट, ब्लैक और चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। अभी चारकोल पेंसिल की मदद से शिव जी के फेस पर थोड़ा शेडिंग करना है। चलो बाय बाय, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।